नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया होंगे, है ना। आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वो बात ये है कि आप सबको पता है कि वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे जो हैं से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं हमारे जीवन के लिए, आपको शायद पता होगा। और आपने इसके लिए ऊपर बहुत ज़्यादा आप जानते भी होंगे कि क्यों जो है से वृक्ष ज़रूरी है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे न्यूज़ में आर्टिकल्स में बहुत सारे ऐसे देखा जाता है कि जहाँ पर कि लोग जो है से वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन क्या केवल वृक्ष लगा देना ही एनवायरनमेंट की सेफ्टी हो जाता है? नहीं। वृक्ष लगा देने से और फ़ोटो खिंचवा लेने से और यूट्यूब पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपने बारे में चर्चा कर देने से क्या सेफ्टी हो जाता है? वृक्षारोपण सफल हो गया? व्हाट्सएप के स्टेटस पर फ़ोटो लगा देने से वृक्ष सफल हो गया कि हमने पेड़ पौधे लगा दिया पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा? नहीं, बल्कि एक दिखावा और एक रियलिटी दोनों में बहुत फर्क होता है। वो वृक्ष जो आपने लगाया है जब तक वो बड़ा पेड़ नहीं बन जाता है तब तक वो एक सफल वृक्षारोपण नहीं माना जा सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग जो है से कागज पर दिखाते हैं कि हमने इतना वृक्षारोपण किया है इस साल, लेकिन क्या वो सफल होते हैं? इतने सारे वृक्ष हमने बंटवाया है लेकिन क्या बांटने से ही वृक्षारोपण हो जाता है? नहीं, बल्कि वृक्ष को लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल करने के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि वो वृक्ष जो है से सही समय पर उसको खाद मिल सके, सही समय पर पानी मिल सके, सही समय पर उसका देखभाल हो सके। बिना देखभाल के कोई पेड़ पौधा जो है से सुरक्षित नहीं हो सकता है। और वृक्ष जरूरी सबसे बड़ी ये है कि वृक्ष जब आप लगाते हैं तो उसकी देखभाल के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है से किसी और को जो कि पैसे की जिसको ज़रूरत है और वो उसको काम की भी ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को आप जो है से पेड़ की देखभाल के लिए भी आप रख सकते हैं। इससे एक एनवायरनमेंट के प्रति एक प्यार भी जगेगा, एनवायरनमेंट की सेफ्टी भी हो जाएगा और नए लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आज कुछ हमारे जो मित्र हैं उन्होंने एक जगह पर जो है से भोपाल में एक जगह है वहाँ पर जो है से वृक्षारोपण किया। आपको ये वीडियो जो है से आपको दिखाते हैं, ये वाला वीडियो, ये जो है से वीडियो आप जिस तरीके से देख रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे लोगों ने जो है से पेड़ की सुरक्षा के लिए जो है से काम कर रहे हैं। और जो है से मुझे जो है से जितना जानकारी मिला है वो ये है कि इन लोगों ने जो है से ये निर्णय लिया है कि गर्मियों के मौसम में भी जो है से पानी के टैंकर की व्यवस्था करवाएंगे ताकि इन सभी पौधों को जो है गर्मियों के मौसम में भी पानी उपलब्ध हो सके। इसलिए कभी भी कोई भी अगर पेड़ लगाना है तो केवल पेड़ लगा करके छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसकी सेवा के लिए पूरा जैसे प्लानिंग करना है कि किस तरीके से कौन कौन लोग होंगे, कैसे पानी दिया जाएगा, कितने समय दिया जाएगा, ये सब कुछ जैसे आपको प्लानिंग करके चलना है। इसी के साथ मैं अंत लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप सब ने मेरे इस वीडियो को देखा है। अब आप जो है से एक नया सोच के साथ प्लानिंग के साथ पेड़ पौधा रोपण करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।